हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं भिंडी बनाने वाली हूँ, भिंडी आलू। उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है इसमें, इसको गर्म होने देते हैं। अब मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डालूंगी और थोड़ा सा लहसुन डालूंगी। ये मैंने पीस के रखा है लहसुन। अब ये देखिए, मैंने आलू और भिंडी और प्याज ये काट के रखा है। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ और साथ में आलू डाल देती हूँ, जिससे ये आलू भी इसके साथ फ्राई हो जाएंगे। भिंडी बाद में डालूंगी। इसके साथ में थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ, ये सेंधा नमक डाल दी मैं इसमें स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ जिससे ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अब इसको हम ढक देते हैं, थोड़ा सिम पे कर देते हैं जिससे आग हमारे जल्दी फ्राई हो जाए। हम इसको एक बार चला देते हैं। अभी हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें भिंडी भी डाल देती हूँ, ये भी इसके साथ फ्राई हो जाएगी। ये आज हम आलू भिंडी बना रहे हैं, बाकी मसाले मैं बाद में डालूंगी। नमक और हल्दी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इसमें। अब इसको हम ढक देते हैं। ये देखिए, हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं आलू भी और भिंडी भी, लेकिन अभी थोड़े गलने में आलू को टाइम लगेगा, इसके लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए और ढक देती हूँ। अभी मैं अपनी सब्जी देख रही हूँ, ये फ्राई हो चुकी है अच्छे से। अब मैं आलू चेक कर लेती हूँ, हो चुके हैं आलू भी। अब मैं इसमें बाकी मसाला मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा सूखा धनिया डालूंगी इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च, और बाकी नमक और हल्दी मैं डाल चुकी हूँ तो ऑलरेडी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी की सब्जी तैयार हो चुकी है, भिंडी आलू। अब इसके साथ आप चपाती बनाइए, पराठा बनाइए, कुछ भी बनाइए। अब मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देती हूँ इसी में, जिसमें ये दम में और अच्छी हो जाएगी। अब ये मैंने इसको ढक दिया है,